हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल सुधा ज्ञानवाणी में। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको यह भी बताना चाहती हूं कि जिन्होंने बिहार स्टेट का फॉर्म नहीं भरा था उनके लिए खुशखबरी है, वह अब जल्द से जल्द बिहार स्टेट का फॉर्म भर दे, क्योंकि बिहार स्टेट के फॉर्म का लास्ट डेट 8 जनवरी 2020 हो गया है। उन दोस्तों के लिए भी खुशखबरी है जिन्होंने ये फॉर्म भर दिया था, उन्हें एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए और टाइम मिल गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम साथ मिलकर के बिहार स्टेट की तैयारी करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हिंदी विषय की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपको कक्षा 6 से लेकर के 12 तक में आए कविताएं और कहानियों को पढ़कर सुनाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना पहला पाठ। हमारा पहला पाठ है अरमान, और ये है कविता जो लिखा गया है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं इस कविता को। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठ गए हैं, उम्मीद मार कर बैठ गए हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। अब मैं आपको इस कविता का अर्थ बताऊंगी। इस कविता का अर्थ इसके शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि आप सब कविता के शीर्षक को जानते ही हैं, कविता का शीर्षक है अरमान, जिसे मैंने पढ़कर आप सबको सुनाया है। अरमान, जिसका अर्थ है इच्छा, चाहत, लालसा। कवि अपनी कविता के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है। कविता की पहली पंक्ति है, है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि उनकी शौक और इच्छा एक ही है, वे इस मिटने वाली दुनिया में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उनका नाम अमर हो जाए। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कविता की दूसरी पंक्ति। कविता की दूसरी पंक्ति में कवि ने कहा है, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। उन्होंने समाज के गरीब, बेसहारा, दुखी लोगों की बात करते हुए कहा है कि हम उन लोगों को गले लगाएंगे, अर्थात अपने बराबर का स्थान देंगे, जिन पर किसी की छत्र छाया नहीं है, जो नितांत अभाव और निराशा में डूबे हुए हैं, हम उनकी मदद करेंगे और उन्हें सुखी बनाएंगे। कविता की तीसरी पंक्ति है, जो लोग हार कर बैठ गए, उम्मीद मार कर बैठ गए, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। कभी उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अपनी ही जिंदगी से हार मान चुके हैं, जो स्वयं ही खुद को दीनहीन समझते हैं, जो आगे बढ़ने की और प्रगति करने की आशा छोड़ चुके हैं, कभी उनमें फिर से उत्साह जगाना चाहते हैं। कविता की चौथी पंक्ति है, रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। कभी देश की, समाज की उन्नति चाहते हैं और उसके लिए अपना सर्वस्व लुटा देना चाहते हैं। कविता की आखिरी पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पंक्ति में कवि ने कहा है, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। कवि यह कहना चाहते हैं कि हम उन पूर्वजों के बच्चे हैं जो अपने धुन के पक्के थे, हमें भी उन्हीं की तरह अपने धुन के पक्के होने चाहिए और अपना काम पूरे लगन के साथ करना चाहिए, जिससे हम इस संसार में उनका नाम रोशन कर सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ यह पाठ पूर्ण होता है।
आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।